उन्नाव से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी और राजा भैया के बीच क्या चल रहा है, बड़ा सवाल है। जी हाँ, क्या राजा भैया उन्नाव से लड़ेंगे चुनाव? राजा भैया ने 3 सीटों पर दावा किया। जी हाँ, ऐसा कहा जा रहा है उन्नाव, कौशाम्बी और प्रतापगढ़ पर दावा है, 3 सीटें मिलेंगी तो बीजेपी को समर्थन, सूत्र के हिसाब से। जी हाँ, उन्नाव, कौशाम्बी और प्रतापगढ़ पर दावा है, 3 सीटें मिलेंगी तो बीजेपी को समर्थन, सूत्र। और देखिए, लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी फरमान जुड़े हुए हैं। फरमान, देखिए जो यूपी की राजनीति है, सियासी हलचल अचानक से तेज हो गई है, राजा भैया का क्या स्टैंड है? 3 सीटें मिलेंगी तभी बीजेपी के साथ आएंगे क्या? देखिए खुशबू, सोर्सेस बिल्कुल ये बात बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं राजा भैया और भारतीय जनता पार्टी के बीच कोई खिचड़ी बन रही है, कोई खिचड़ी पक रही है। मामला सीटों के बंटवारे को लेकर है कि कितनी सीटें राजा भैया को दी जाए तो राजा भैया बीजेपी के साथ आ सकते हैं, उनकी पार्टी जो नई नवेली पार्टी है वो बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकती है। बताया जा रहा है कि अभी 3 सीटें राजा भैया ने मांगी हैं, जिसमें कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और उन्नाव की सीट है। उन्नाव से वो खुद उम्मीदवार हो सकते हैं अगर गठबंधन की स्थिति होती है, अगर बीजेपी के इस गठबंधन में राजा भैया की पार्टी शामिल होती है तो उन्नाव से राजा भैया खुद चुनाव लड़ सकते हैं। बहरहाल अभी जो सोर्सेज बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो बातचीत है दोनों के बीच में वो चल रही है और राजा भैया से बीजेपी की नजदीकियां कुछ बढ़ रही हैं। पेज कहां फंसता हुआ फरमान नजर आ रहा है? अगर राजा भैया आते हैं बीजेपी की तरफ तो कितना सही रहता है, कितना फायदेमंद रहता है बीजेपी के लिए? बीजेपी के लिए क्या चांसेस है कि वो राजा भैया को अपनी तरफ करने के लिए 3 सीट दांव पे दे दे? देखिए बीजेपी के जो अभी मौजूदा जो उसके सहयोगी हैं, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर की बात करें या फिर अपना दल की बात करें, ये सहयोगी कहीं ना कहीं नाराज चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। तो ऐसे में उनकी भरपाई करने के लिए कि अगर अपना दल या सुभाषपा बीजेपी से दूर जाती है तो छोटी पार्टियों जिनका कोई अस्तित्व है, राजा भैया का एक चेहरा, एक ठाकुर लीडर के तौर पे उत्तर प्रदेश में जाना माना चेहरा, और उत्तर प्रदेश की तमाम सीटें ऐसी हैं जहां पर उनका एक अस्तित्व माना जा सकता है। तो ऐसे में बीजेपी को ये फायदे का सौदा लग सकता है। तो अब मुमकिन है कि बातचीत हो और बातचीत के बाद ये मैच्योर हो, और फिलहाल जैसा मैंने बताया कि 3 सीटों पर राजा भैया की बात चल रही है कि अगर गठबंधन होता है तो उन्होंने 3 सीटें मांगी हैं। तो ऐसे में अगर कोई गठबंधन होता है तो ये 3 सीटें लेकर, अब देखना ये होगा कि बीजेपी कितना राजी होती है, बीजेपी कितनी सीटों के लिए राजी होती है। प्रखर प्रकाश सिंह जुड़ गए हमारे साथ राजा भैया की पार्टी से प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रखर जी, क्या चांसेस हैं राजा भैया के बीजेपी के साथ? जी देखिए, अभी जो भी चीज, अगर कोई भी बात है, जो भी बात फाइनल होगी वो हमारा शीर्ष नेतृत्व अपने आप बताएगा आपको। कोई ऐसी कोई बात है नहीं, और कोई भी चीज होगी तो हम आपको खुद ही आपको बताएंगे कि आप जनता को बात हमारी बताइए। लेकिन प्रखर जी, लगता नहीं कि आप लेट हो रहे हैं? क्योंकि देखिए, बाकी दूसरी तरफ आप देखें तो जो बाकी पार्टियां हैं वो तो बिल्कुल सीट क्लियर कर रही है, नाम क्लियर कर रही है, ऐसे में आपको यही अभी क्लियर नहीं हो पाया कि आप किस तरह से लड़ेंगे चुनाव? देखिए, हमारी अपनी एक स्ट्रैटेजी है, हम उस स्ट्रैटेजी पर चल रहे हैं। जरूरी नहीं हम और पार्टियों की तरह जल्दबाजी करें अपनी पब्लिक को बताने में। ठीक है, मतलब आप इंतजार करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। प्रखर जी, चंद्रमोहन सिंह जुड़ गए बीजेपी प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत चंद्रमोहन जी आपका भारत समाचार पर। क्या लगता है राजा भैया को लाने के लिए जो 3 सीटों की बात हो रही है, क्या लग रहा है राजा भैया को लाने की कवायद में बीजेपी कितनी लगी हुई है? अभी हमारे संज्ञान में नहीं है, आप ही बता रहे हैं। हमारी मतलब राजा भैया को लाने की कोई कवायद नहीं है, कोई बातचीत नहीं है? नहीं, हमारी पार्टी, मेरे संज्ञान में नहीं है, हमारी पार्टी के संज्ञान में नहीं है। अच्छा, ये तो प्रखर जी, इनके तो बिल्कुल संज्ञान में ही नहीं है। प्रखर जी, आप क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर चंद्रमोहन भी जुड़े हुए हैं, तो उनका ये कहना है कि उनके किसी संज्ञान में ही नहीं है, ना उनके संज्ञान में, ना पार्टी के संज्ञान में, कि राजा भैया और बीजेपी के बारे में कुछ, मतलब बीजेपी की बातचीत हो रही है, ऐसा ही है क्या? ये तो आप ही अभी हम लोग को बता रहे हैं कि बातचीत हो रही है। अगर कोई बातचीत हमारी किसी से भी होगी तो आने वाले समय में हमारा शीर्ष नेतृत्व इस बात को बता देगा और आप ही के माध्यम से जनता को बताएगा। चंद्रमोहन जी, वैसे राजा भैया को आने के लिए चांसेस क्या है? अगर आते हैं तो किस तरह से देखते हैं आप, अगर आते हैं पार्टी में तो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक सिद्धांत है और एक विचारधारा है,
हमारी विचारधारा का पोषण करने वाले, उसको स्वीकार करने वाले, वही जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो एकात्म मानव दर्शन है, अंत्योदय की जो राजनीति है, उसको जो करने वाले हैं, मोदी जी में जो आस्था रखने वाले हैं, उन्हीं लोगों को हम अपने साथ में रखें और उनको उनको साथ में रखेंगे। अच्छा प्रखर जी, वैसे आपको क्या विश्वास है बीजेपी पर, बीजेपी के साथ आने के लिए आप कितना चाह रहे हैं? छुआछूत के विरोधी हैं, ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रखर प्रताप सिंह, डॉक्टर चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, इस मामले में अभी कोई भी जवाब देने से बचते हुए दोनों ही पार्टियां, जी हाँ, दोनों ही पार्टियों का ये कहना, अगर ऐसी कोई बात होगी तो हम सामने आएंगे, दोनों ही पार्टियां कुछ भी कहने से बचती हुई। लेकिन बड़ा सवाल यही है, बीजेपी और राजा भैया के बीच क्या चल रहा है? गठबंधन में शामिल होगी आरएलडी, जी हां, सपा और बसपा के साथ आरएलडी का गठबंधन होने वाला है, जिसका आज औपचारिक ऐलान होगा। अखिलेश और जयंत की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी 3:30 बजे सपा कार्यालय में, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस।